अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो आज हम बात करेंगे अनवांटेड फेशियल हेयर। चेहरे के बाल बहुत बुरे लगते हैं, मैंने सोचा कि मैं फाइनली ये करवा लूँ और मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगी ताकि जिसको कुछ भी डाउट है वो उसका क्लियर हो जाए और एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने काफ़ी सर्चिंग की कि जद्दा में कहाँ पर अच्छा सा लेज़र हो सकता है। मुझे बहुत डर भी लग रहा था स्टार्टिंग में कि पता नहीं ख़राब हो जाएगा, अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा। सो इस तरह के सवाल काफ़ी जहन में आए, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एक अच्छे क्लिनिक पे गई और मेरा अच्छे से हो गया। आज मेरी डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट है और उसके बाद मेरा लेज़र होगा। बात करते हैं कॉस्ट पर, तो मुझे कॉस्ट पड़ी 900 रियाल। 900 रियाल में मुझे 4 सेशन मिले। डॉक्टर को मैंने सारी हिस्ट्री बताई तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तकरीबन 8 सेशन लगेंगे। सो टुडे इज़ माई फर्स्ट सेशन, फिंगर क्रॉस, लेट्स सी व्हाट हैपन एंड आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड। बट मेरा इतना था कि मैंने रिसर्च की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लेज़र की 5 टाइप्स हैं और मेरे पे जो लेज़र होगी और जो थिक ब्लैक हेयर्स होते हैं उन पे जो लेज़र होती है उसका नाम होता है ND-YAG। ये सारी बात मशीन की होती है और एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की होती है या नर्स की। सो हम डॉक्टर और नर्स तो देख लेते हैं, फिर भी ये नहीं देखते कि मशीन चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, जापानीज है, कौन सी है। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इस क्लिनिक के, सो मैंने सोचा कि फाइनली करवा ही लिया जाए तो बाकी देखी जाएगी क्या होता है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न। तो मेरी बारी आ चुकी है और नर्स ही परफॉर्म करेगी, ये डॉक्टर नहीं करते। सो दिस इज़ द रूम जहाँ पे मशीन भी थी। आप कमेंट में बताएं कि आपने अगर करवाया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले उन्होंने मेरे फेस पे सेक्शंस बना दिए, देन उसके बाद उन्होंने शेविंग जेल लगा दी और उसके बाद अब उन्होंने मेरे फेस पे रेजर किया और रेज़र से जो बाल थे वो उन्होंने उतार दिए, क्योंकि अगर बाल आप छोड़े रखेंगे तो वो असर नहीं करेगा, लेज़र डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, इसलिए इन्हें ये बाल उतारने पड़ते हैं। और अक्सर लोग जो होते हैं वो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे इवन 5,000 में भी हो रहे हैं, डिस्काउंट करके 3,000 में भी कर रहे होते हैं। अगर एक्सपेंसिव करें तो 20,000, 30,000, मतलब इस तरह डिफरेंट रेंज है और डिफरेंट मशीन का, लोगों को पता नहीं होता। और फिर किसी के पास भी चले जाते हैं हमें लेज़र करवानी है, नहीं देखते क्या है। सो प्लीज़ अगर आपके हेयर्स थिक हैं तो आपने ND-YAG करवाना है, ठीक है। ND-YAG एक मशीन है, उससे ये होगा तो आपने वो करवाना है। और एक होता है अलेक्जेंडर राइट, अलेक्जेंडर राइट जो है वो थिन बालों पे होता है और ND-YAG थिक बालों पे होता है। सो ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी, बिकॉज़ मैंने सारी स्टडी करके और अपने पे एक्सपीरियंस करके मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी एडवाइस दूँगी। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, सो किसी और का भला भी हो जाए। ओके जी, तो लेज़र करवाने का एक्सपीरियंस ये था कि जब लेज़र के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट भी होता है, साथ साथ वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और साथ साथ वो लेज़र करते हैं। फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी पेन हुई, आंसू भी निकले और जहाँ पे थिक बाल ज़्यादा थे वहाँ पे बहुत पेन होती थी। सो अच्छा रहा सारा कुछ, माशाल्लाह से सब कुछ अच्छे से हो गया। होपफुली माई लेज़र इज़ डन नाउ। सो उन्होंने ऊपर क्रीम लगा दी है ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए इसके ऊपर, और उन्होंने साथ साइन भी करवा लिए, सारा कुछ उस पर इंस्ट्रक्शन भी थी और साथ उन्होंने ये ट्यूब दी और इसको 2 बार अप्लाई करना है। और साथ साथ आप चेहरे पे बर्फ़ लगा सकते हैं ताकि कूलिंग रहे, जले नहीं।
तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो चेहरा स्वेल हो सकता है, अगर आपने किसी ठीक जगह से नहीं करवाया तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। सो प्रे करें कि अच्छे से हो, क्या रिज़ल्ट निकलता है मेरी लेज़र का। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरा लेज़र कैसा रहा, मुझे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हुए, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो टू सी माई रिज़ल्ट। Stay connected and do subscribe, like and share. See you in next video. Allah Hafiz.